वैसे जी आजकल के हालात में आपके अपने नॉन परफॉर्मिंग लोन्स की रेशियो कितनी होगी, कुछ जो बैड डेट्स आपके होंगे हमारे इसमें? तो जी 2 से 3% रहते हैं ओवर ड्यू, यानी कि वो आज रिकवरेबल होते हैं, लेकिन 1 point in time 97% पीपल पे अस ऑन द सेम डे दैट द इंस्टॉलमेंट इज ड्यू. 3% आर लेट. ऑफ द 3% ऑलमोस्ट 70% पे विद इन द नेक्स्ट 10 days, और बाकी जो रह जाते हैं निग्लिजिबल होता है. बड़ी अच्छी रेट ऑफ रिकवरी है जी. जी, तो इसमें आपकी फोर्ब्स मैगजीन ने बड़ा हाईली रेट किया था जी कश्यप फाउंडेशन को, आई बिलीव एट नंबर 34. हाउ डिड यू मेक इट पॉसिबल के विद इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कि रेटिंग्स आपकी इतनी बेहतर हो जाएंगी? इसमें जी द फर्स्ट थिंग इज एज आई सेड द रिलेशनशिप विद द क्लाइंट. हमारा फोकस है ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लाइव्स ऑफ आवर क्लाइंट्स. हम जो है सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं रखते, हम उनकी बिजनेसेस की इनकम जनरेशन पर बहुत फोकस करते हैं और उनकी पोटेंशियल पर बहुत फोकस करते हैं, उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन पर बहुत फोकस करते हैं. तो पहला स्टेप तो ये है कि क्लाइंट की ज़िंदगी पे मुस्बत तब्दीली लाई जाए. दूसरा चेंज ये है कि कम से कम खर्चे पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जाए. तो हमारा कोशिश यही होता है कि हम अपने बैक एंड के जो कॉस्ट हैं वो कम से कम रखें, ताकि हम अच्छे और मुस्बत तरीके से लोगों को फाइनेंस कर सकें. और तीसरी चीज़ जो आप पहले भी हमने डिस्कस किया कि जो पैसा दिया गया है वो क्वालिटी का दिया जाए और वो वक्त पे वापस आए. अगर ये तीनों चीज़ें आप एक माइक्रो फाइनेंस इदारे में कर लें तो आप डेफिनेटली मुअसर भी हो सकते हैं और ख़ुद इन्हिसार भी हो सकते हैं. बट हाउ इज कश्यप डिफरेंट फ्रॉम जो बाकी जो इतने बैंक्स हैं, उसमें आप में और उनमें क्या फ़र्क होगा? इस देखें जी, माइक्रो फाइनेंस के जो मेथोडोलॉजीज़ हैं तो वो तो हर एक की डिफरेंट है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि वन विंडो ऑपरेशन हमारे क्लाइंट्स के लिए होना चाहिए. जैसे हमारी फाउंडेशन जो है वो कम आमदनी के घरानों के साथ काम करता है, हमारा बैंक जो है वो डिपॉजिट सर्विसेज जो है कम आमदनी के घरानों के लिए लाना चाह रहा है, ताकि हम अगर क्लाइंट हमारे पास आते हैं तो उसको तमाम माली सहूलियात एक ही जगह से मिल जाएं और उसको कम से कम उसका वक्त लगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिले. मैडम ये भी देख लीजिए, आप प्राइवेट डोनेशंस भी आप ले रहे हैं कि नहीं लेते हैं आप लोग जी? हम प्राइवेट डोनेशंस लेते हैं. हमारे फ्लड रिहेबिलिटेशन का जो काम चल रहा है मुजफ्फरगढ़, ट्रांसपेरेंसी डोनर्स के लिए, हाउ डू यू इंश्योर दैट कि जो लोग जी उसके बहुत से मराहल होते हैं जी. पहले तो आपको अपनी इंटरनल जो है मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करना होता है. हमारा इंटरनल ऑडिट भी है जो हमारे बोर्ड को रिपोर्ट करता है. गुड गवर्नेंस होनी चाहिए. माशाल्लाह हम बहुत ही लकी हैं, हमारा बोर्ड जो है उस पर डॉक्टर इशरत हुसैन हमारे चेयरमैन हैं, हमारे बाकी भी जो मेम्बरान हैं बोर्ड के वो बहुत ही वेल नोन और अच्छी पर्सनालिटीज़ हैं. डॉक्टर अतियानायतुल्ला हैं, माय फादर एसएम जफर साहब इज़ आल्सो ऑन द बोर्ड. सो वी आर वेरी लकी कि जो गुड गवर्नेंस है वो हमारे इदारे में बहुत स्ट्रांग है. उसके साथ जी हमारे एक्सटर्नल ऑडिटर्स हमेशा जो बेहतरीन top 5 ऑडिटर्स हैं पाकिस्तान के वो रहे हैं, जो इस वक्त पिछले साल फर्गसन से इस साल हमने 4 साल के बाद उनको चेंज किया, आप KPMG हैं. तो ये तमाम वो स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको बनाने पड़ते हैं. लाइक अ मल्टीनेशनल आपको भी वो बेहतरीन ट्रांसपेरेंसी के और फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ये वर्ल्ड वाइड ने काफ़ी अब आप हम आजकल नोट कर रहे हैं, स्पेशली कनाडा एंड आई थिंक मेक्सिको ऑल्सो, जिधर ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स दे हैव गॉन पब्लिक. जी जी बिल्कुल. तो आपके भी कोई यहाँ पे है रादा इसको, बिकॉज आई थिंक टू एक्सपैंड योर अपनी फंड बेस ऑल्सो एंड टू रीच आउट टू मोर पीपल, शायद आपको भी कोई आपने सोचा है उसके बारे में? जी बिल्कुल. हमारा जो बैंक है इंशाल्लाह आगे जाकर वी होप के वो कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस कर सके, और वी वॉन्ट इट ट्रूली टू बी अ बैंक फॉर द पुअर के जो स्टॉक मार्केट के लोग हैं वो भी इन्वेस्ट कर सकें हमारे बैंक में, ताकि अल्टीमेटली वो पैसा जो है वो कम आमदनी के घरानों तक पहुँचे. इसी तरह बड़ा जो आपने पॉइंट रेज किया, इसी तरह हम कम आमदनी के घरानों को मेन स्ट्रीम कर सकेंगे. अनलेस वी मेन स्ट्रीम देम ये चेंज नहीं आएगा जिस स्केल का चेंज हम चाहते हैं. तो आप कह रही थी कि अब तो अब शायद इंटरनेशनल फंडिंग आप कह रही हैं कम हो गई है, बट पहले तो काफ़ी आपको आती भी रही है, एंड प्राइमरली जिसकी एक वजह शायद आपकी अपनी स्टैंडिंग, आपकी क्रेडिबिलिटी एंड आपकी कनेक्शंस भी शायद हों. बट इस अदारे को हमारे इस मुल्क में हर इंस्टीट्यूशन इज़ पर्सनैलिटी बेस्ड नाउ, तो उस चीज़ से इसको आप कैसे बचा रही कि आपके बाद भी ये कैसे एक चीज़ चलती रहेगी और इसी स्केल पर काम होता रहेगा? जी बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया. इसमें सक्सेशन प्लानिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है, और हमारे बोर्ड ने हमें 5 साल पहले ही सक्सेशन प्लानिंग का जो कह लें ऑब्जेक्टिव था वो दे दिया था. सो वी एक्चुअली हमने सक्सेशन प्लानिंग बड़े अच्छे तरीके से किया. अब हमारी बैंक की जो मैनेजमेंट है वो कुछ हमारे जो अपने स्टाफ मेंबर्स हैं सीनियर मैनेजमेंट के, वो बैंक को चला रहे हैं. सो दे आर डूइंग इट इंडिपेंडेंटली. आई एम जस्ट अ डायरेक्टर, आई एम एक्चुअली चेयरिंग द बैंक एंड वी हैव एन इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट हु रन्स इट. हमारी फाउंडेशन में भी ऐसे ही हैं, वी हैव टू वेरी सीनियर स्टाफ मेंबर्स हु कैन नाउ टेक ऑन द रोल ऑफ रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन.
A lot of my job is actually to do the PR and to now the operational work is done by mere jo baaki team members hain wo jo chalane ka organization ka kaam hai wo wahi karte hain. Strategy planning mein main zyada involve hoti hu. अच्छा जी, गवर्नमेंट के रोल पे कुछ बात करते हैं. इस सेक्टर में गवर्नमेंट का एक तो रेगुलेशंस कोई हैं, कितनी हैं, और क्या सपोर्ट भी कोई आपको मिलती है गवर्नमेंट से कि नहीं मिलती? हमें बड़ी खुशकिस्मती है जी कि पाकिस्तान का जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है माइक्रो फाइनेंस का, वो दुनिया भर में अब माना जाता है. तो हमने माइक्रो फाइनेंस ऑर्डिनेंस जो है हमारे स्टेट बैंक ने 2001 में बनाई थी, और उसकी देखा देखी अब बहुत ही. सॉरी, आपकी बात स्टेट बैंक करता है कि SECP रेगुलेट करती है? जी, हमारा जो फाउंडेशन है उसको SECP करता है. वेयर नॉट कंपनी जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है 42 वाली, और जो हमारा बैंक है उसको स्टेट बैंक रेगुलेट करता है. तो जो रेगुलेशन है जी वो काफ़ी स्ट्रांग है स्टेट बैंक के हवाले से, और बहुत प्रोएक्टिव है. तो आप देखेंगे अगले 3-4 साल में बहुत सी तब्दीलियां आएंगी माइक्रो फाइनेंस मार्केट में. अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल्स आएंगे, ब्रांचलेस बैंकिंग आएगी, बहुत से और तरीके हैं जिससे हम रसाई ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि स्टेट बैंक ने जिनकी इजाज़त भी दी है. तो उस हवाले से तो हमारी जो स्टैंडिंग है वो बहुत स्ट्रांग है. अवेयरनेस हमें ज़्यादा बिल्ड करने की ज़रूरत है सेक्टर की, क्योंकि अमूमन ये सेक्टर जो है ये चैरिटी के खाते में डाल दिया जाता है. और जैसे आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे शुरू में, मिसकंसेप्शंस हैं माइक्रो फाइनेंस में. हम जो है हम कभी भी ये नहीं कहते कि हम अपने क्लाइंट को चैरिटी दे रहे हैं, हम कह रहे हैं हम बिजनेस पार्टनर्स हैं. आप आइए और अपने हमारे साथ मिल के अपने फ्यूचर को संवारिए. तो दैट्स अ वेरी डिफरेंट अप्रोच देन सेइंग कि जी ये एक पैसा है हम आपको खैरात दे रहे हैं क्योंकि आप गरीब हैं. दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट प्रोसेस बाय विच हम अपने क्लाइंट के साथ जो है रब्ता रखते हैं. बट कोई गवर्नमेंट असिस्टेंस भी मिलती रहती है आप लोगों को? जी, जो मैंने आपको बताया था ना पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड, जो है वो गवर्नमेंट का ही ऑटोनमस इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वर्ल्ड बैंक का पैसा चूंकि आता है वो गवर्नमेंट के ही प्रोसेस के थ्रू आते हैं. एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो है वो आज ग्रो किया है, जहाँ तक पहुँच चुका है. बट गवर्नमेंट का रोल हम बेहतर इसमें कैसे कर सकते हैं? गवर्नमेंट को कोई एक प्रोएक्टिव कोई एटलीस्ट इसकी अवेयरनेस क्रिएट करने में, तो आई डोंट यू थिंक गवर्नमेंट को कोई रोल प्ले करना चाहिए? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट का बहुत से लेवल्स का रोल प्ले हो सकता है. एक्चुअली जो पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रैटेजी थी ना जी, उसमें माइक्रो फाइनेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. जैसे मैंने आपको बताया, एक तो है ना कि आप इतने गरीब हैं कि आप माइक्रो फाइनेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहाँ पर फिर डायरेक्टेड सब्सिडी आ जाती है कि उन तक पहुँचें और उनको इनकम ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स का हिस्सा बनाएं ताकि वो वक्त के साथ साथ अपने आप को माइक्रो फाइनेंस की लेवल पर ले आएं. माइक्रो फाइनेंस के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, जिस तरह PPF को उन्होंने सपोर्ट किया है, इसी तरह अवेयरनेस जो है माइक्रो फाइनेंस के ऊपर कि लोगों के अंदर ये आगही पैदा हो कि वो पैसे से पैसा कमाएं और पैसे को सही तरह इस्तेमाल करें, इसमें भी बहुत सा काम हो सकता है. फाइनेंशियल एजुकेशन पर बहुत सा काम हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अवेयरनेस रेजिंग के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया बहुत सा काम हो सकता है. इस वक्त जो गवर्नमेंट का स्टांस है वो यही है कि जो माइक्रो फाइनेंस अदारे अब आ रहे हैं वो ज़्यादा रेगुलेटेड आएँ ताकि डिपॉजिट्स लिए जा सकें, क्योंकि सेविंग्स का रोल बहुत स्ट्रांग है. हमने तो अभी तक जितनी बातें की हैं ना जी वो हमने माइक्रो क्रेडिट के हवाले से की हैं. जब तक लोग बचत नहीं करेंगे, मैं ये मिसाल बहुत से लोगों को दे रही हूँ आजकल कि वो 20 मिलियन लोग जो अफेक्ट हुए फ्लड्स में, अगर उनका कुछ इनकम का हिस्सा जो था वो बैंक की सेविंग्स में होता ना, तो आज वो इस सिचुएशन में ना होते जिसमें थे. तो सेविंग्स जो है ना जी, वो बचत का जो कम से कम आमदनी के लोगों तक बचत पहुंचाना, ये बहुत बड़ी सहूलत है जो हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है.